जय जिनेंद्र मित्रों, ज्ञानवर्धिनी में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो ज्ञानवर्धिनी परिवार की ओर से आप सभी को पर्युषण पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं पर्युषण महापर्व के बारे में। पर्युषण महापर्व क्या है, कैसे मनाते हैं, इसका क्या महत्व है? मित्रों, पर्युषण महापर्व जैनों का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, जो दिगंबर और श्वेतांबर जैन सभी लोग मनाते हैं। वहीं श्वेतांबर जैनों में ये 8 दिनों का होता है, तो दिगंबर जैनों में ये 10 दिनों का त्यौहार मनाया जाता है। श्वेतांबर जैनों में ये भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, तो दिगंबर पक्ष में ये शुक्ल पक्ष में ये मनाया जाता है। वैसे तो ये साल में 3 बार आता है, लेकिन जो भाद्रपद के महीने में जो पर्युषण पर्व आता है उसका महत्व तो और बढ़ जाता है। वो इसलिए क्योंकि भाद्रपद के महीने में चातुर्मास का समय होता है, महाराज जी माता जी का और व्रतियों का साधुओं का समागम बड़े आसानी से मिल जाता है। शादियों का सीज़न भी नहीं होता है, बिजनेस का भी सीज़न नहीं होता है और बहुत सारी अनुकूलताएं मिल जाती हैं, जिससे ये पर्युषण पर्व बहुत ही यादगार और शानदार होकर के मनाया जाता है। वैसे इसको दशलक्षण पर्व भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें धर्म के जो 10 जो अंग हैं उन अंगों के बारे में चर्चा की जाती है। वो आपको बताऊं तो सबसे पहला है उत्तम क्षमा, दूसरा है उत्तम मार्दव, तीसरा है उत्तम आर्जव, चौथा है उत्तम शौच, पांचवा है उत्तम सत्य, छठवा है उत्तम संयम, सातवां है उत्तम तप, आठवां उत्तम त्याग, नौवां उत्तम आकिंचन्य और 10वां उत्तम ब्रह्मचर्य। वैसे उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन अंतिम दिन होता है। इसको संवत्सरी और वर्ष का प्रारंभिक दिन भी माना जाता है। इस दिन अनंत चतुर्दशी जो एक व्रत है, उस व्रत का भी आचरण करते हैं लोग, उपवास करते हैं और इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। पर्युषण के 10 दिनों में सबसे ज़्यादा इस दिन को महत्व दिया गया है। उसके बाद पर्युषण के अंत में मनाया जाता है क्षमावाणी पर्व, जो अपने आप में एक मिसाल है और एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया पर्व है। वो इसलिए क्योंकि इसमें ना तो किसी प्रकार की हिंसा होती है, ना किसी प्रकार का विवाद होता है। ये जो पर्व है वो क्षमावाणी है। वो इसका मतलब होता है कि हम वाणी से सबको क्षमा करें, हमारे वाणी में, हमारे मन में और हमारे काम में, सब में जितने भी हमने पाप किए हों, जितने भी हमने काम किए हों, उनसे जितने भी किसी को दुख हुआ हो, जितनी भी हिंसा हुई हो, उन सब से मैं क्षमा चाहता हूँ। तो क्षमा और फॉरगिवनेस को ये पर्व, ये जो क्षमा वाणी है वो डेडिकेट किया गया है और लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं और इसमें विशेष तरीके की दिनचर्या को भी फॉलो किया जाता है, जिसमें सुबह सुबह पूजन की जाती है। अगर किसी का उपवास होता है तो वो उपवास करते हैं और जिनका उपवास नहीं होता है तो उस दिन वो एकाशन करते हैं, मतलब एक समय भोजन करते हैं। उसके बाद प्रतिक्रमण होता है, स्वाध्याय करते हैं, आरती, सामायिक और लास्ट में रात्रि के समय प्रवचन होता है, जो विद्वान या किसी महाराज जी व्रती के द्वारा वो किया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो पर्व है पर्युषण पर्व, वो अध्यात्म के लिए समर्पित हो जाता है और व्यक्ति अपने शरीर से मोह को छोड़ करके बहुत प्रकार के नियमों को धारण करता है और कोशिश करता है कि इस पर्युषण पर्व में 10 दिन तक हम अपने बाहरी और भौतिक जीवन से दूर होकर के आत्मिक और आध्यात्मिक जीवन को जिएं और कैसे हम उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप जैन हैं तो आपको इस पर्व को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। बात करें तो इस ऐसे में बहुत सारे लोग उपवास करते हैं और अगर आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं तो आप एकाशन करें और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम रात में खाना नहीं खाएं और साथ ही साथ में 2 बार ही खाना खाएं, मतलब ऐसा करें कि 2 से ज़्यादा बार भोजन नहीं करना पड़े और बाज़ार का कुछ भी, मतलब बाज़ार की कम से कम चीज़ों का उपयोग करें और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का कम से कम उपयोग करें, ऐसा कुछ अपनी दिनचर्या बनाएं जिससे हम अपने आप के लिए समय जुटा सकें, एक अच्छे इंसान बनने के लिए समय अपना लगाएं और जीवन को उज्जवल बना सकें। तो इस बार के पर्युषण पर्व में हमें अपने आप को बहुत अच्छा बनाना है, धर्म से युक्त बनाना है और
उत्तम क्षमा के दिन, क्षमावाणी के दिन, संवत्सरी के दिन सभी को क्षमा कर देना है और सबसे क्षमा मांगना है। ये बहुत अच्छा पर्व है जिसमें हम एक दूसरे से क्षमा चाहते हैं, सबको क्षमा कर देते हैं और इस तरीके से हम इस पर्युषण पर्व को शानदार, यादगार और बेहतरीन बना सकते हैं। तो मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताएं इस बार का पर्युषण आपका कैसा रहा और आपको पर्युषण के बारे में जान करके कैसा लगा। और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार। जय जिनेंद्र।